अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। क्या आप मालदार होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप जो भी कारोबार करते हैं या आप जो भी काम करते हैं उस काम के अंदर, आपकी दुकान के अंदर, आपके कारोबार के अंदर इतनी बरकत हो कि चंद ही बरसों के अंदर जो है आप गनी यानी कि मालदार हो जाएं, या आप तंग दस्ती के शिकार हैं, आपको जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, रिस्क का जो है कोई ज़रिया नहीं, आपकी दुकान करते हैं या कोई कारोबार करते हैं या कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, वो बिज़नेस नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, आपकी दुकान वगैरह नहीं चलती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने रोज़गार, अपने काम धंधे को लेकर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अमल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही ख़ास पावरफुल आसान मुजर्रब अमल है। कम से कम 11 दिन का है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई तादाद नहीं है, जितना ज़्यादा आप करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के दौर में हर इंसान रोज़गार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर दुकान करते हैं तो दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, कारोबार करते हैं तो कारोबार नहीं चलता है, बिज़नेस वगैरह अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी तंग दस्ती दूर हो जाए, आपका रोज़गार अच्छा चलने लगे, दुकान पर ग्राहक आने लगे, आपके काम में खूब खूब बरकत होने लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यह अमल बहुत ही ख़ास पावरफुल मुजर्रब अमल है। अमल बहुत आसान सिंपल है, आपको सुबह जल्दी उठना है, नमाज फ़जर आपको अदा करनी है। जब आप अपने बिज़नेस वगैरह पर या कारोबार पर या दुकान पर जाएं तो पहले आपको जाने से पहले वुज़ू करना है, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आपको घर से निकलना है। जब कारोबार दुकान बिज़नेस की जगह जब पहुँचे तो वहाँ पर आपको ताला खोलने से पहले पहले खड़े होकर के जो है आपको 7 मरतबा 11 मरतबा जो है आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको फिर सूरह इज़ाजा जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतहु वरअयतन्नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये सूरत आपको जो है 10 मरतबा पढ़नी है, फिर उसके बाद में जो है आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करना है और अपने कामों में जो है मसरूफ़ हो जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द तंगी दूर हो जाएगी, दुकान कारोबार खूब चलेगा। कम अज़ कम 1 हफ़्ता इस अमल को जो है ज़रूर करें। अगर इस अमल को आप रोज़ाना पढ़ें और उसे अपने मामूल, इस अमल को जो है अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला चंद बरसों में जो है आप गनी बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएंगे, मगर कामिल एतकाद जो है शर्त है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।